अजमेर में मानो अचानक से एक नई प्रथा चल गई कि जब भी किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती और वो बात अगर शादी तक पहुंचती तो लड़के के घर वाले लड़की का फोटो लेकर के प्रेस के पास पहुंच जाते और उनसे ये सवाल पूछते कि क्या ये लड़की उस सेक्स स्कैंडल में शामिल थी, क्या ये लड़की उन्ही लड़कियों में से है जिनका रेप हुआ था इस स्कैंडल में। अगर लड़की उस स्कैंडल में नहीं पाई जाती तो भाई उसके बाद से शादी के लिए हाँ कह देते या फिर शादी के लिए मना कर देते। सुन के थोड़ा झटका सा लगाना, राजस्थान अजमेर में 1992 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से जो है हर लड़की घर से निकल से डरना शुरू कर दी और हर किसी के मन में अजमेर की लड़कियों को लेकर के एक शक बना रहता था कि क्या पता ये वही लड़की हो जिसका रेप हुआ हो। और ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते या फिर ऐसी लड़की को अपनी सोसाइटी में तो नहीं रख सकते। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था जिसके ऊपर में फिल्म बनी है अजमेर 92, एग्जैक्टली वो कहानी किस हद तक सच है और उसके फैक्ट्स क्या है, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अजमेर शरीफ को धार्मिक स्थल माना जाता है, बहुत ही पाक और मुकद्दस जगह मानी जाती है मुसलमानों के लिए। सोफिया सेकेंडरी स्कूल 1992 में लोगों के बीच में किसी और ही वजह से जाना जाता था, ना कि सिर्फ एक अच्छे स्कूल होने के वजह से। ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे मिडिल क्लास से लेकर के बड़े से बड़े घर की लड़कियां तक पढ़ने के लिए आती थी, क्योंकि ये स्कूल अजमेर में सबसे बेस्ट स्कूलों में से एक माना जाता था और ज्यादातर लोग जो है अपनी लड़कियों को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। इसी स्कूल के बाहर 8th स्टैंडर्ड की एक लड़की एक लड़के से मिलती है। इस मुलाकात की वजह से दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है। हाँ, लड़की को इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था कि लड़का उससे उम्र में कहीं ज्यादा बड़ा था, बस उसे प्यार हो गया था और दोनों वो सारी चीजें कर रहे थे जो एक कपल आपस में करते हैं। इस जमाने के हिसाब से नहीं, उस जमाने के हिसाब से 1992 के हिसाब से वो सारी चीजें, वो सारी वादे, वो सारी बातें हुई जा रही थी। और ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की जो कि सोफिया सेकेंडरी स्कूल से थी, उसका जिस आदमी के साथ में प्यार हुआ था उसका नाम था फारूक चिश्ती। फारूक चिश्ती कौन है, कहां से बिलोंग करता है और ऐसा कैसे कर पाया, इस बारे में आगे बात करूंगा। अब उस लड़की को प्यार और भरोसा फारूक चिश्ती पे था ही, और ये चीज बहुत अच्छे तरह से फारूक चिश्ती जानता था, जिसकी वजह से एक दिन वो लड़की को अपने फार्म हाउस में आने को ऑफर करता है और लड़की फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फार्म हाउस जाने के बाद में उसके साथ में के लिए अप्रोच किया जाता है और लड़की उसके लिए भी हाँ कह देती है। अब वो दोनों जब सेक्स कर रहे होते तो इसी बीच में फारूक चिश्ती फोटो निकाल लेता है, यानी न्यूड्स निकाल लेता है। जैसे ही वो फोटो क्लिक कर लेता है उसके फौरन बाद से फारूक चिश्ती अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। उसी वक्त कैमरे में से रील्स निकाल करके उस लड़की को दिखाता है और कहता है, अगर ये फोटो लोगों के हाथ में लग गई तो क्या होगा, अगर ये फोटो मैंने सबको दिखा दिया तो क्या होगा। ये सुन करके उस लड़की के होश उड़ गए थे और उसके बाद से रखी जाती है एक डील कि मैं ये सारे फोटोज जला दूंगा, मैं ये सारे फोटो डिस्ट्रॉय कर दूंगा या फिर मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम इसके बदले में अपनी किसी और दोस्त को लेकर के यहाँ पर आओगी तो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ कि ये उस जमाने की बात है जब कोई लड़की किसी लड़के से सिर्फ बात भी कर ले तो वो बहुत बुरा माना जाता था, और ऐसे में अगर कोई आपकी निकाल ले तो आप समझ सकते हो कि सामने वाले की हालत क्या हो सकती है। ये बात तो थी इस स्कैंडल की शुरुआत की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि फारूक चिश्ती था कौन। फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट था। फारूक चिश्ती के दो और भाई नफीस और अनवर चिश्ती इसी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और कार्यकर्ता थे। फारूक चिश्ती इतना बड़ा नाम था उस वक्त कि शायद ही कोई उसे ना जानता हो। फारूक चिश्ती का फैमिली बैकग्राउंड वायलेंस, गैंग प्रोटेस्ट और ब्लैकमेलिंग से भरा हुआ था और इसी बैकग्राउंड की वजह से वो कांग्रेस का लीडर बन के बैठा हुआ था। और ये समझने का बिल्कुल भी भूल मत करना कि ये एक लक बाय चांस या फिर बस चांस लेकर के ये हरकत की गई हो कि हम किसी एक लड़की को फंसाते हैं और मामला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी तरह से सोची समझी चाल या फिर साजिश कह लो, उनको अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहे हैं और ये कहां तक जाने वाला है, वो कितनी लड़कियों की शिकार करने वाले हैं और उसके आंकड़े कितने बड़े हो सकते हैं। तो लड़की से स्कूल के बाहर बहाने से दोस्ती करना, फिर उस दोस्ती के बाद प्यार का इजहार करना और प्यार के बाद सेक्स के लिए अप्रोच करना और जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो उसी वक्त उसकी न्यूज ले लेना, ये पूरे तरह से एक साजिश रची गई थी जो कि अच्छे तरह से एग्जीक्यूट भी हुआ। अब जिस तरह से उस पहली लड़की को कहा गया था कि तुम अपने स्कूल से दूसरी दोस्त को ले आओ, तुम्हारे ये फोटोज जो है हम तुम्हें दे देंगे, बिल्कुल इसी चीज को रिपीट पे रखा गया, यानी एक के बाद एक लड़की आती गई और सबको यही चीज कह करके दूसरी लड़कियों को फारूक मंगवाता। अब इन सारी चीजों को करना उन लड़कियों द्वारा उनकी मजबूरी थी, वो जाल में फंस चुकी थी। उन सभी लड़कियों के साथ में कोई एक आदमी नहीं कर रहा था जबकि पूरी एक गैंग कर रही थी, जिससे पहले जो गैंग थे वो यही तीनों भाई थे। कई बार एक ही लड़की को बार बार बुला करके उसका गैंग करने की वजह से वो लड़कियां टूट सी गई थी और एक के बाद एक सभी जगह से सुसाइड के केसेस आने लग गए थे। और तो और वो सारी सुसाइड
स्कूल में ही हो रहे थे, जिसकी वजह से सभी के नजर में ये स्कूल का नाम उछलने लग चुका था और सबका एक ही सवाल था कि स्कूल के अंदर में कुछ तो गलत हो रहा है जिसके वजह से लड़कियां सुसाइड कर रही है, जबकि पूरी दुनिया इस बात से बेखबर थी कि बाहर बैठा एक बहुत बड़ा लीडर ये सारी चीजों को चला रहा है। इन सारी चीजों को सुनकर ऑलरेडी लोग दहशत में थे और आप भी अब तक सुने होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो चुके होंगे। लेकिन यहीं पे बात नहीं रुकी। पहले जो गैंग पूरा था वो सिर्फ फारूक और उसके भाई मिलके कर रहे थे, लेकिन इसके बाद से उनके पार्टी के वर्कर्स जो थे वो लोग भी मिलकर स्कूल की इन लड़कियों के साथ में गैंग करने लगे और उसी वक्त उन सभी लोगों के फोटोज भी निकाले जाते थे। अब आगे चलकर होता ये है कि उन्हीं वर्कर्स में से कोई एक उन फोटो को ले जाकर किसी स्टूडियो में डेवलप करवाने चला जाता है। अब जिस स्टूडियो में वो फोटो डेवलप करवाने गया है, यानी नेगेटिव से जो फोटो बनाने गया है, उसी स्टूडियो के फोटोग्राफर या फिर जो काम करते थे उन्होंने उसका एक कॉपी बना करके रख लिया। फिर वो अपने दोस्तों को जो है ये फोटो बांटने लग गए। अब हर कोई जो है उन लड़कियों को पकड़कर रास्ते पे हर जगह पे पकड़कर वो फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लग गया। इसके बदले में वो आम लोग भी वही करना चाहते थे जो कि इन लोगों ने उन लड़कियों के साथ में किया था, यानी बदले में सेक्स करना है। और लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में और इस जाल में फंस चुकी है ये सोच करके उन सभी के साथ में उनकी मनमानी करने के लिए हामी भर भी देती है। वैसे एक चीज बता दूं, इस पूरी कहानी को जिस तरह से आपके सामने में पहले प्रेजेंट किया गया होगा उसमें एक फैक्ट जो है बार बार छुपाया गया है, और हो सकता है कि अजमेर 92 जो फिल्म आ रही है उसके अंदर में भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही बताया जाएगा कि वो मुस्लिम लोग ही थे जो उनके साथ में कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखो, आपको एक एक नाम सामने आएगा और आप समझ पाओगे कि वो लोग कौन थे, मुस्लिम के अलावा कौन कौन नॉन मुस्लिम थे और वो लोग थे कौन एग्जैक्टली। तो ऐसे ही करते करते ये आंकड़ा 200 से 250 गया और कहा जाता है कि ये 250 जो नंबर है ये सिर्फ एक अंदाजन नंबर है, जबकि इससे कहीं ज्यादा लड़कियों के साथ में, यानी लगभग पूरे अजमेर की लड़कियों के साथ में यही हो रहा था, क्योंकि बात एक के बाद एक फैलती जा रही थी और सब यही डील जो है लड़की के सामने में रख रहे थे कि तुम्हें बचना है तो कोई और लड़की को लेकर के आओ और अपनी बचा सकती हूँ। इधर अजमेर में इतना कुछ हो रहा था, इतना हल्ला चिल्ला मच रहा था, इतना सुसाइड केसेस आ रहे थे, कई सारी लड़कियों की रिपोर्ट्स भी आ रहे थे, लेकिन इसके ऊपर में कोई भी न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना ही उस वक्त में कोई न्यूज चलाया गया था और ना ही कोई न्यूज छापी गई थी। मुश्किल से कोई 2-3 ही प्रिंट मीडिया थी जो कि इस पे कुछ आर्टिकल लिखी थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, वो न्यूज आ क्यों नहीं रही थी, इसके पीछे के कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण कि लड़की की तरफ से कोई भी कंप्लेन ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, ये ऑब्वियस रीजन है जो कि मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा रीजन फारूक चिश्ती खुद था। कोई भी फारूक चिश्ती से भिड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इस इंसान का नाम पहले से लोग जानते थे और ये अपने पावर का कैसा इस्तेमाल करेगा, इस डर से कोई भी इससे भिड़ना नहीं चाहते थे। अगला जो रीजन है ये काफी बड़ा रीजन है कि पॉलिटिशियन द्वारा इस न्यूज को दबाया जा रहा था कि ये बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए वरना दंगे हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में एक जंग सी छिड़ जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से आज मैं और आप इस न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। मई 1992 नवजोत न्यूज़पेपर में काम करने वाले एक रिपोर्टर के पास में उसका कलीग एक फोटो लेकर के आता है जिसमें किसी लड़की का रेप होते हुए न्यूड हालत में उसकी फोटो खींची गई है, और वो कली उस रिपोर्टर को जाकर के कह रहा होता है हम इस लड़की को ये फोटो दिखा करके अपना काम निकलवा सकते हैं, और काम वही है जो अब तक होता आ रहा है। ये सुन करके उस रिपोर्टर का मानो दिमाग हिल सा गया। उस रिपोर्टर का वैसे नाम था मदन सिंह। मदन सिंह जी उस वक्त में ये सोच बैठे कि इस लड़की के साथ में ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है और हम खुद क्राइम रिपोर्टर होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी मदन सिंह जी ने एक स्टेप लेने का सोचा और वो ये था कि बिना डरे हुए उन सभी लोगों की तहकीकात करनी और उनका नाम ढूंढ करके निकालना कि इन सब के पीछे में कौन कौन लोग है। और उन्होंने कुछ ही दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद में उनके हाथ जितना लगा वो बिना डरे हुए उन सभी लोगों का नाम न्यूज पेपर में छाप दिया, जिसमें उनका फोटो और नाम एकदम सा क्लियर था। आप लिस्ट देख सकते हो स्क्रीन पे। अब जब अजमेर 92 का ट्रेलर आया उसके बाद से ट्विटर पे बस एक ट्रेंड सा चलने लगा, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर हिंदू गर्ल्स और वो मुस्लिमों से सावधान हो जाए क्योंकि इस पूरे कांड में मुस्लिम ही मुस्लिम फैले हुए हैं। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को गौर से देखो तो इसमें वो हिंदू लोग भी है। और ये भी आपको बता दूं कि जिन भी लड़कियों के साथ में ये सारी चीजें हो रही थी वो सारी चीजें सिर्फ इन लोगों द्वारा नहीं, यानी चाहे वो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, किराना शॉप वाला हो या फिर स्कूल का टीचर हो, हर आदमी उस फोटोग्राफ को दिखा करके उन लड़कियों से वही फायदा उठा रहा था जो ये रेप लोग उठा रहे थे। यानी आम आदमी में चाहे वो मुस्लिम हो या पॉलिटिशियन में कोई मुस्लिम हो या फिर हिंदू आम आदमी हो या फिर मुस्लिम आम आदमी हो, हर कोई वही चीज कर रहा था जो वो सारे लोग कर रहे थे। तो जहां तक मैं जान पाया हूं कि अभी तक कोई भी क्रिमिनल, वो चाहे कोई
कोई भी क्राइम करता हो, जैसे वो टेररिस्ट हो या रेपिस्ट, भले से उसका क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, वो धर्म देख करके नहीं, वो बस एक क्रिमिनल होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ना वो हिंदू हो सकता है, ना वो मुस्लिम, ना ही क्रिश्चियन, ना ही सिख, नोबडी। तो वापस आते हैं मदन सिंह जी ने आगे क्या किया। मदन सिंह द्वारा जैसे ही ये न्यूज अखबार में छापा गया, उनके फोटो और नाम के साथ में उसके अगले ही दिन उनपे अटैक होना शुरू हो गया और दो दिन के अंदर में उनका पीछा किया गया। खुली सड़क पे उनपे गोलियां चलाई गई और जब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में पुलिस वाले होने के बावजूद भी उनके इमरजेंसी रूम में घुसकर उनको गोली से मार दिया गया। इधर अब तक संख्या जो है 250 से भी ज्यादा हो चुकी थी। अब बात आ चुकी थी कि ये जो न्यूज छपी है उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन में लड़कियों को सामने लाने की बात हुई कि वो लड़कियां अपने साथ हुई हुई चीज को बयान करे, तो उन 250 लड़कियों में से आई सामने सिर्फ और सिर्फ 32 लड़कियां। और जब उन 32 लड़कियों को के आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही लड़कियां हाजिर हुई जिन्होंने 18 को आइडेंटिफाई किया। 1992 में ये स्कैंडल रजिस्टर होने के बाद, ये केस रजिस्टर्ड होने के बाद हमारे लॉ एंड ऑर्डर को 6 साल लगे ये स्टेटमेंट सुनाने के लिए कि ये जो भी चीजें हुई है उसके लिए जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। और जैसे ये सजा अनाउंस हुआ एक एक करके जो है अपराधी गायब होने लग गए। उन 18 अपराधियों में से 6 तो गायब ही हो गए। और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इस पूरे स्कैंडल का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था और उसके दो भाई और थे, इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियन के नाम भी आ रहे थे, वो सारे के सारे लोग साफ बच जाते हैं। फारूक चिश्ती के लॉयर ने तो ये कहकर उसको बचा लिया कि उसकी मानसिक स्थिति अभी स्टेबल नहीं है और वो किसी भी हालत से एक सामान्य दिमाग वाला इंसान नहीं लग रहा है, तो हम इसे सजा दे ही नहीं सकते। और ये ऑन पेपर प्रूफ होने के वजह से हमारे इंडियन लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये आया कि हाँ, हम इन्हें नहीं सजा दे सकते हैं जब तक कि इनकी दिमागी स्थिति सही नहीं हो जाए। तो 1998 में फाइनली जाकर के उन 12 लोगों को सजा दी गई जो इस गैंग में शामिल थे, लेकिन फारूक चिश्ती और उनके भाई और इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियन साफ साफ बाहर घूम रहे थे। लेकिन बहुत सारे कोशिशों के बाद इस बीच जितनी भी लड़कियां अजमेर में थी और जिन भी लड़कियों के साथ में ये सारी चीजें हो रही थी, समाज ने उनको पूरे तरह से अपने साइड से कट ऑफ कर दिया था और लड़कियां कहीं पे भी जाती थी तो उनको सब उसी नजर से देखते थे जैसे उनकी ही गलती। धीरे धीरे करके वो 250 लड़कियां मानो गुमसी हो गई, सभी ने अपने पहचान बदल दिए, ज्यादातर लड़कियों ने अपने शहर बदल लिए, अपने नाम बदल लिए और उन सारी चीजों को भूलने की कोशिश में लग गई। और इन सब के बावजूद भी अभी भी न्याय अधूरा था। 1998 के बाद में 2007 में जाकर के ये प्रूफ हो पाया कि इसमें फारूक चिश्ती ही मास्टरमाइंड था और तब जाकर के उसे जेल हुई जो कि ताउम्र के लिए था। लेकिन अचानक 2013 में फारूक चिश्ती को ये बोल करके छोड़ दिया गया कि ये बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब इससे ज्यादा इन्हें परेशान ना किया जाए और इन्हें जो है चैन से जीने का हक दिया जाए, ये कहकर के उनको जेल से रिहा कर दिया गया। और तो और फारूक चिश्ती अपने उसी जगह पे जाकर के फिर से वैसे ही रहने लगा, उसी दबदबे के साथ में जैसे वो पहले था। आज भी उस स्कैंडल की कई सारी लड़कियां नानी और दादी बन चुकी है, लेकिन अब वो इंसाफ नहीं चाहती। अभी देखते हैं कि अजमेर 92 में कितने सारे फैक्ट्स रखे जाते हैं, किस तरह से कहानी को दिखाया जाता है। ट्रेलर में तो वैसे देखने को मिला है कि एक रिपोर्टर है जो पुलिस स्टेशन में जाके बार बार जो है फैक्ट की तलाश कर रहा है और पुलिस वालों से जो है हेल्प मांग रहा है, लेकिन पुलिस वाले भी जो है उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियों के कुछ सीन्स दिखाए जा रहे हैं और जो अब तक की इस वीडियो में मैंने बताया है जो कि रियलिटी में कुछ ऐसा ही हुआ था, रिपोर्ट द्वारा और इंटरनेट पे दिए गए जानकारी द्वारा, भाई उसी चीज को ये उस तरह से रख पाते हैं या नहीं, और इन लोगों ने कितनी डीप जाकर के रिसर्च किया है, या उन लोगों से जाकर के ये मिल भी पाए हैं, उनसे ये पूछ भी पाए हैं कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना आपका क्या टेक है। और जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक धर्म को टारगेट करके चल रहे हैं, भले से वो हिंदू है या मुस्लिम, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।